हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस, और जिसकी ये प्रैक्टिस सेट है 16। इसके पहले 15 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आपकी करवा दी गई है, जिसमें कि काफ़ी ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो जिसने भी उन वीडियोज़ को नहीं देखा है जाकर के देख लेगा और कमेंट करके अपने स्कोर ज़रूर बताएगा। और ये वीडियो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और जिसको भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसके लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से क्या भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या फिजिकल चेंज है यानी कि भौतिक परिवर्तन किस में हो रहा है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, पानी में चीनी का जो घुलना है वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अब अदर ऑप्शन को देखिए, लोहे पर जंग लगना, दूध में दही का बनना और हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। ये जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या था कि निम्न में से क्या भौतिक परिवर्तन है, तो आपका आंसर करेक्ट था ऑप्शन सेकंड, यानी कि पानी में चीनी का घुल जाना। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे क्या है? तो जैसे शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, पानी का जमना, ये सारे क्या हैं? भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि उसके रासायनिक गुणों में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर क्या करेक्ट है? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि जल उत्प्लवन का नियम। कौन सा नियम दिया? तो जल उत्प्लवन का नियम दिया। डायग्राम में आप लोग देख लो, पहले एक्सप्लेनेशन देके आपको समझा देते हैं फिर डायग्राम को समझाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। दूसरे शब्द में समझे तो किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लवन बल होगा उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको डायग्राम से आप लोग समझिए। डायग्राम देखिए क्या कह रहा है, अगर हमने किसी वस्तु को जल में डाला, ठीक है, तो किसी वस्तु को जल में डालने पर उस पर जो लगने वाला उत्प्लावन बल होता है वो वस्तु के भार के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु को जल में डालेंगे तो वो अपने भार के बराबर ही क्या करेगी, जल को विस्थापित कर देगी। जैसा कि आप लोग डायग्राम भी देख रहे होंगे, यहाँ पे हमको इसका वेट नहीं पता है और इसका वेट मेजर करना है, तो इसको हमने जल में डाला और इसने जितना भी जल निकाल दिया उसी के बराबर इसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो इसने कितना निकाला, 3 लीटर ऑफ वाटर को निकाल दिया। तो आप इसको किलोग्राम में चेंज करके आप क्या पता कर लोगे, तो इसका वेट पता चल जाएगा। ओके, यही है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यानी कि जल उत्प्लावन का नियम इन्होंने दिया था। ओके, क्लियर हो गया अच्छे से? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका क्या कारण है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताइए कि इसका क्या कारण है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसका कारण होता है। ठीक है, जब इनो का लवण हम जल में डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, बुलबुले बनते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक्यूपंचर क्या है? आपको बताना है कि एक्यूपंचर क्या होता है। चार ऑप्शन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, सभी को पता होगा ये चीज। तो एक्यूपंचर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, यानी कि सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है। यह किस प्रकार की विधि है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन आपको हम बताते हैं। सुई एक्यूपंचर दर्द से राहत दिलाने या चिकित्सक प्रयोजनों के लिए शरीर के विभिन्न बिंदुओं में सुई चुभाने और हस्त कौशल की प्रक्रिया होती है। इससे क्या होता है? तो इससे दर्द से राहत दिलाने, शल्य चिकित्सा, संज्ञारण प्रवृत्त करने और चिकित्सा प्रयोजनों के लिए शरीर के विशिष्ट क्षेत्रों की परिनिधीय नसों में सुई छेदने की चीनी अभ्यास। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? के माध्यम से उपचार की एक विधि होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पित्त यानी कि बाइल निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट है? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन है, यानी कि यकृत के द्वारा बाइल जो होता है वो निर्माण होता है यकृत के द्वारा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शरीर रचना विज्ञान तथा पाचन के संदर्भ में पित्त यानी कि बाइल गहरे हरे या पीले रंग का द्रव्य है जो पाचन में सहायक होता है।
यह कशेरुकी प्राणियों के यकृत यानी लीवर में बनता है। मानव के शरीर में यकृत द्वारा पित्त को का सतत उत्पादन होता रहता है। ठीक है, मानव के शरीर में तो पित्त का उत्पादन कहाँ होता है, तो यकृत के द्वारा होता रहता है जो पित्ताशय में एकत्र होता रहता है। और इसका पीएच मान जरूर याद रखिएगा, तो इसका पीएच मान होता है 7.7। तो 7.7 इसका क्या होता है, पीएच वैल्यू होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपकी स्क्रीन पे है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग एवं दो उत्तरोत्तर ग्रत के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी कि क्रस्ट और दो उत्तरोत्तर गर्द यानी कि ट्रफ के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी सा आंसर है इसका, आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि तरंग दैर्ध्य। ठीक है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होगे, तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी कि क्रस्ट के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इन दोनों की जो ऊपर की बीच की दूरी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं तरंग दैर्ध्य। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। उसी तरह से आप लोग नीचे भी देख लो, तो नीचे दो उत्तरोत्तर क्रस्ट जो है, इन दोनों के बीच की दूरी को भी क्या कहेंगे, तो इन दोनों के बीच की दूरी को भी लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ओके, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तरंग के समान कला वाले दो क्रमागत बिंदुओं की दूरी, ये बिंदु क्रस्ट हो सकते हैं या फिर ट्रफ हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया लैम्डा के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक इसका मीटर होता है, क्योंकि यह दूरी को बताता है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे है, हाइड्रा किस वर्ग का प्राणी है। आपको बताना है कि जो इमेज में दिख रहा है हाइड्रा, वो किस वर्ग का प्राणी है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी यानी कि फाइलम सिलेंट्रेट्रा। ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा वर्ग का ये प्राणी है। आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जल व्याल यानी कि हाइड्रा निड्रिया संघ का जंतु है, उसे फाइलम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। इस जलीय जंतु का आकार कुछ मिलीमीटर का होता है, तथा इनके अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। इसका आकार कितना बड़ा होता है, तो यह मिलीमीटर के आकार का होता है। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूरत पड़ती है, यानी कि माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ओके, है क्वेश्चन ये, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन यानी कि डायलिसिस। ठीक है, तो मानव के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डायलिसिस रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। इस डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी कि गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो गुर्दे से जुड़े लोग, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अच्छे से, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है। तो रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी यानी कि काले रंग का प्रयोग जो है वो रंगीन टेलीविजन में नहीं किया जाता है। ओके, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं। निकोलस कॉपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। तो ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये किसने बताया, तो ये बताया कॉपरनिकस ने। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए। निकोलस कॉपरनिकस द्वारा विकसित खगोलीय मॉडल का दिया गया नाम है, इसे 1543 में प्रकाशित किया गया था। इस मॉडल ने सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र के समीप स्थित किया और क्या बताया कि गतिविहीन पृथ्वी के साथ और इसके चारों ओर परिक्रमा करते हुए परिक्रमा पथों में परिक्रमा द्वारा संशोधित और सामान्य गति से। ओके, ओवरऑल उन्होंने क्या बताया कि जो पृथ्वी है वह सूर्य का चक्कर लगाती है और भी जो सारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या बताया था, ये डायग्राम से बताते हैं। इन्होंने बताया था कि सन जो है वो एक केंद्र में स्थित रहता है और उसके चारों ओर सभी ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं एक निश्चित कक्षा में। ओके, तो ये कॉपरनिकस ने बताया था और कॉपरनिकस ने ग्रहों की गति भी दिया था। ग्रहों की गति के नियम किसने दिया है, तो वो कॉपलर ने दिया है। ठीक है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिया है, तो ये केपलर ने दिया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पढ़िए, जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है। जल में जब हम CO2 गैस को घोलते हैं तो वो क्या उत्पन्न करती है, ये आपको बताना है।
तो देखिए जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा कि CO2 है और इसमें हमने वाटर को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन रहा है, H2CO3 बन रहा है। यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का अम्ल होता है। कैसा अम्ल है, तो कार्बोनिक एसिड, ये एक दुर्बल अम्ल है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है, दुर्बल अम्ल बनाती है। ठीक है, H2CO3 ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब अच्छे खासे अम्ल होते हैं, बट H2CO3 जो होता है कार्बोनिक एसिड, ये काफ़ी दुर्बल अम्ल माना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे है। पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है। जैसा कि आपने सभी ने देखा होगा, आपके घरों में फ्यूज लगे होते हैं, तो फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है ये बताइए। ओके, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, जब ज्यादा ऊष्मा मिलेगी तो ये क्या हो जाता है, गल करके टूट जाता है। ठीक है, अब आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि फ्यूज का जो तार होता है वो किसके मिश्रण से बना होता है, फ्यूज का तार किसके मिश्रण से बना होता है जो कि उच्च ऊष्मा पा करके पिघल जाता है और टूट जाता है और पूरे घर को क्या कर देता है, घर के जितने भी उपकरण होते हैं उन सभी को सुरक्षित करता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होता है फ्यूज। तो किस पे आधारित है फ्यूज का सिद्धांत, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया यानी कि उभयचर क्या होते हैं। एम्फीबिया यानी कि उभयचर, आपसे पूछा जा रहा है उभयचर क्या होते हैं, बताइए जल्दी से उभयचर कैसे होते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, उभयचर या एम्फीबिया कहा जाता है। ठीक है, कोई इसका एक एग्जांपल बताइए, तो इसका एग्जांपल है मेढक। ओके, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, इसका क्या एग्जाम्पल है, मेढक एग्जाम्पल है, जो जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हम क्वेश्चन 15 को पढ़िए। जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन तथा दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। उस तत्व की द्रव्यमान संख्या पूछा है, तो पहले हम आपको बता देते हैं कि द्रव्यमान संख्या निकाली कैसे जाती है, किसको कहते हैं। ये मान लीजिए कोई एलिमेंट है, इसमें क्या है, ये जेड इसका परमाणु क्रमांक है और ए जो है ये इसकी द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, किसी भी एलिमेंट में परमाणु में जो परमाणु क्रमांक होता है वो बराबर होता है उसके प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो प्रोटॉन कितने हैं, दो हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा दो। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि द्रव्यमान संख्या क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है, परमाणु भार में से आपको परमाणु क्रमांक माइनस कर देना होता है और न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। ठीक है, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो आपकी न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे क्या दी गई है, तो न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है दो और इसमें परमाणु भार क्या है, तो वो हमको निकालना है, यानी कि द्रव्यमान संख्या निकालनी है। और परमाणु क्रमांक अभी हमने आपको बताया कि वो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, यानी कि दो हो जाएगा। ठीक है, ये दो इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो दो प्लस दो जुड़ गया, कितना आ गया, चार हो गया, यानी कि इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो गई, तो द्रव्यमान संख्या हो गई चार। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से, द्रव्यमान संख्या क्या हो गई, तो ये हो गई चार, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सारी चीज होप सो आप लोगों को अब क्लियर हो गई होंगी। ओके, क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 16 को पढ़िए, क्या लिखा है। लोलक की काल अवधि यानी कि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। क्या, लोलक की काल अवधि यानी कि टाइम पीरियड, यहाँ पे देखिए लेंथ के ऊपर इसको क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ने पे उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि जो टाइम पीरियड टी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के। आइए फॉर्मूला से देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है T=2π। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, तो T=2π अंडर रूट में L/g। एल क्या है, लंबाई है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, और पाई तो एक कांस्टेंट है यानी कि नियतांक, और टी क्या है, तो टी है टाइम पीरियड यानी कि कालावधि। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो टी किस पे डिपेंड कर रही है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एल के और इनवर्स प्रोपोर्शनल है जी के। किसके, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी के, यानी कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। यहाँ से आपको फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर के बना है वो क्या है। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर के बना है वो क्या है, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन डी, यानी कि कवक प्लस शैवाल से मिलकर के बना है। ओके, किसे, तो कवक प्लस शैवाल से। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए।
कवक सहजीवी संबंध से लाभान्वित होता है क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का उत्पादन करता है जिसका उपयोग कवक द्वारा किया जाता है, और कवक के फिलामेंट बाहरी वातावरण से शैवाल को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को दर्शाता है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हो। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? सिल्वर पे जो काला धब्बा पड़ जाता है वह किसके कारण उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि सल्फाइड के कारण। ठीक है, सल्फाइड के कारण सिल्वर पर काला धब्बा पड़ जाता है। आइए सिल्वर के बारे में पूरा डिस्कशन कर लेते हैं कि सिल्वर क्या है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सिल्वर एक चमकीली एवं बहुमूल्य धातु होती है, इसका परमाणु क्रमांक 47 एवं परमाणु भार क्या होता है, 107.9 होता है। यह एक तन्य धातु है, अतः इसका उपयोग तार व आभूषण बनाने में होता है। अब इसका जो होते कि परमाणु क्रमांक आपको पता है 47 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए क्या होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, चांदी विद्युत का कुचालक व उष्मा का कुचालक धातु है, इसमें जल व कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया से जंग उत्पन्न होती है जो कि क्या होती है, काले रंग की होती है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण होता है, तो ये इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि सल्फाइड के कारण। ओके ओके, तो क्वेश्चन 19 पढ़िए, क्या है, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। आपसे क्या पूछा है, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है वह किसके कारण होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्लोरीन के कारण। ठीक है, तो जो तालाब के पानी हो गए या फिर वाटर पार्क आप लोग जाते होंगे तो वहाँ के जो पानी होते हैं उन सबों में क्या मिलाया जाता है, क्लोरीन मिलाया जाता है जिससे कि पानी जल्दी से गंदा ना हो जाए। ठीक है, तो क्लोरीन के कारण मनुष्य की त्वचा क्या हो जाती है, जल जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एग्रेस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है, एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। आप लोग नाम से यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, एग्रेस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो एग्रेस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है ग्रास का, यानी कि घास का। आपका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको अच्छे से याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके याद करिए एग्रेस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पे हो गया घास का अध्ययन किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पृथ्वी से हम चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग को देख सकते हैं, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि 59% भाग ही हमें दिखाई देता है चंद्रमा का। ठीक है, पूरा पूरा चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता है, पृथ्वी से हमें केवल 59% भाग ही उसका दिखाई देता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको डायग्राम में यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है ऑप्शन बी, यानी कि रेफ्लेशिया। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है काफ़ी बड़ा पुष्प है ये। आइए इसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। तो रेफ्लेशिया कहाँ पर पाया जाता है, यह मुख्यतः मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाने वाला पुष्प है। यह एक आश्चर्यजनक परजीवी पौधा है। तो रेफ्लेशिया किस प्रकार का पौधा है, रेफ्लेशिया परजीवी पौधा है, ये भी याद रखिएगा, जिसका फूल वनस्पति जगत के सभी फूलों में सबसे बड़ा है। लगभग 1 मीटर व्यास का होता है, और इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन होता है 10 किलोग्राम। कितना होता है, 10 किलोग्राम तक हो सकता है। इसकी सबसे छोटी प्रजाति 20 सेंटीमीटर व्यास की पाई जाती है। ठीक है, इसकी सबसे छोटी प्रजाति है उसका भी व्यास कितना होगा, तो उसका भी व्यास 20 सेंटीमीटर की व्यास होती है। और रेफ्लेशिया का कितना होता है, तो रेफ्लेशिया का लगभग 1 मीटर व्यास के बराबर होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन 23 आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन 23 को पढ़िए, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, बताइए इनमें से 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि 1 पिकोग्राम 10^-12 ग्राम के बराबर होती है। आइए हम अदर ऑप्शन को भी आपको बता देते हैं कि अदर ऑप्शन में क्या है। देखिए 10^-16 क्या होता है, माइक्रॉन होता है। 1 माइक्रॉन इज इक्वल्स टू 10^-16। 10^-9 क्या होता है, तो ये होता है नैनोग्राम। तो 1 नैनो जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से, तो 1 नैनोग्राम इज इक्वल्स टू होता है 10^-9। पिकोग्राम आपको पता ही चल गया, और 10^-15 क्या होती है, तो ये होता है फर्मी मीटर। ठीक है, तो ये होता है 1 फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर इज इक्वल्स टू 10^-15। 1 पिकोमीटर इज 1 पिकोग्राम इज इक्वल्स टू 10^-12 ग्राम। 1 नैनोग्राम इज इक्वल्स टू 10^-9, और 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल्स टू 10^-6 ग्राम की हो जाएगा। ओके, तो सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए अच्छे से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है,
तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि पुष्प होता है। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका पुष्प होता है। आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे है। 25 क्या है, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? आपसे पूछ रहा है कि रॉकेट को उड़ाने में किस प्रकार के ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन भी यानी कि तरल हाइड्रोजन लिक्विड H2O का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लिक्विड H2 का यूज़ किया जाता है किसको, रॉकेट को उड़ाने में। ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार के ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। चलिए चलते हैं कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी यानी कि मूंगफली को। ठीक है, तो मूंगफली के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है। अब चलिए आज का क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और ये भी बताइए कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पा रहे हैं। ओके, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने कमेंट करके रिव्यू ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।